अरे मुदिता, क्या बात है, आजकल सरोजनी नगर में रहने लगी हो क्या? हाँ कल्पना, इनका ऑफिस तो पहले से यहाँ था, तो हमने सोचा घर भी यहीं बना लें। बहुत सही है। अब तुम्हें विधानसभा क्षेत्र बदलना होगा वोटिंग के लिए। हाँ ठीक तो तुम कह रही हो, लेकिन अभी अभी तो घर बदला है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ऑफिसों के चक्कर लगाए और कौन अपना पता बदलवाए। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल एक क्लिक पे हो सकता है। फोन क्यों रखा है? www.voterportal.eci.gov.in पर चले जाओ, वहाँ जाके फॉर्म 8 पर जाके क्लिक करो और वहीं पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ दो। बस इतना ही हो गया काम तुम्हारा। और ये सारा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर लो। ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि काम हुआ कि नहीं? ये तो और भी सिंपल है। जैसे ही तुम डॉक्यूमेंट्स भरोगी, एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, उस नंबर की सहायता से जो आवेदन भरा है, जो सारी जानकारी तुम्हें वहां से मिल जाएगी। और अगर चुनाव पास में है और वोटर आईडी आया भी नहीं और लिस्ट में तुम्हारा नाम है, फिर दूसरा फोटो आईडी प्रूफ के साथ तुम जाके आराम से वोट दे सकती हो। भाई कल्पना, मुझे लगता है तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हो हर बात को समझाने में। इतनी अच्छी सलाह तुमने दी, फीस तो बता दो भाई। मेरी फीस? जिस दिन तुम जाकर अपना वोट दोगी, उस दिन मुझे ना एक बड़ा सा रसगुल्ला खिला देना। बिल्कुल खिलाऊंगी, तुम घर तो आओ, एक नहीं चार चार रसगुल्ले खिलाऊंगी। चार रसगुल्ले। I'm a little bit of a dancer.